चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, जो छोटे से तटीय शहर सेराफ्स हेवन पर चांदी की चमक बिखेर रहा था। इसकी रोशनी लहरों पर टिमटिमा रही थी, जिससे छायाओं का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य बन रहा था। इस शांत सुंदरता के बीच हवा में प्रत्याशा की भावना भर गई और एक गुप्त मुलाकात होने वाली थी। इसाबेला, एक युवा महिला जिसके सुनहरे बाल और चमकती हरी आंखें थीं, समुद्र को देखते हुए चट्टान के किनारे पर घबराई हुई खड़ी थी। उसने अपने हाथ में एक पत्र कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। पत्र रहस्यमय तरीके से बिना किसी वापसी पते के आया था, लेकिन इसकी सामग्री ने उसके दिल और जिज्ञासा को झकझोर दिया था। ये एक लंबे समय से भूले हुए प्यार की बात करता था, एक ऐसा संबंध जो भाग्य से टूट गया था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, सन्नाटे में कदमों की आवाज गूंज उठी। इसाबेला मुड़ी, उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि उसने छाया से एक लंबी आकृति को निकलते देखा। यह एड्रियन था, उसका पहला प्यार, वह आदमी जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था। हवा के कारण उसके काले बाल बिखर गए थे और उसकी तीखी नीली आंखों में लालसा और पछतावे का मिश्रण था। इसाबेला, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। जैसे ही वह करीब आई, इसाबेला की आंखों में आंसू भर आए। एड्रियन, तुम क्यों चले गए? इतने सालों के बाद अब क्यों? एड्रियन ने गहरी सांस ली, उसकी निगाहें स्थिर थीं। यह हमारी मर्जी से नहीं था बेला, हमारे नियंत्रण से परे कुछ ताकतें थीं, कुछ रहस्य थे जो हमें अलग रखते थे। लेकिन मैंने कभी भी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं। उसके शब्दों को सुनते ही इसाबेला की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह उस पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन उनके अलगाव का दर्द अभी भी बना हुआ था। तुमने पत्र क्यों भेजा? यह सब क्या है? एड्रियन ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक छोटी पुरानी पत्रिका निकाली। यह मेरे दादाजी का था, वह नाविक थे और उन्होंने कुछ अविश्वसनीय, कुछ खतरनाक खोजा था। उन्होंने इस पत्रिका में सुराग छोड़े हैं और मेरा मानना है कि यह हमारे अतीत और हमारे भविष्य की कुंजी है। इसाबेला की जिज्ञासा तब बढ़ गई जब उसने एड्रियन के हाथों से पत्रिका ली। पृष्ठ रहस्यमय प्रतीकों और हस्तलिखित नोटों से भरे हुए थे। इसका हमसे क्या लेना देना है? एड्रियन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मेरे दादाजी की खोज में समुद्र के नीचे छिपा एक खजाना शामिल था, एक ऐसा खजाना जो नियति को बदलने की शक्ति रखता है, लेकिन यह प्राचीन शक्तियों द्वारा संरक्षित है, ऐसी ताकतें जिन्होंने हमें अलग कर दिया। जैसे ही हवा तेज हुई, इसाबेला को हवा में ठंडक महसूस हुई। उसने एड्रियन की ओर देखा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। हमें इसे खोजना ही होगा, है ना? एड्रियन ने सिर हिलाया। हाँ इसाबेला, साथ मिलकर हम सच्चाई को उजागर कर सकते हैं और आखिरकार उन छायाओं से मुक्त हो सकते हैं जिन्होंने हमें परेशान किया है। नए संकल्प के साथ वे पत्रिका में सुरागों का अनुसरण करते हुए अपनी खोज पर निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें खतरनाक पानी और छिपी हुई गुफाओं से होकर ले गई, जहां उन्हें ऐसे खतरों का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रास्ते में उनका बंधन मजबूत होता गया और उस प्यार को फिर से जगाया जो कभी खत्म नहीं हुआ था। जब वे अंतिम सुराग पर पहुंचे, तो एक प्राचीन पानी के नीचे के मंदिर के किनारे खड़े होकर इसाबेला को एहसास हुआ कि उनका प्यार ही खजाने की शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी है। स्पष्टता के एक पल में उसने एड्रियन का हाथ थामा और साथ में उन्होंने वो शब्द बोले जो जर्नल के पन्नों में छिपे थे। एक चमकदार रोशनी ने उन्हें घेर लिया और जब वह फीकी पड़ गई, तो उन्होंने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां समय और स्थान एक हो गए थे। खजाना सोना या जवाहरात नहीं था, बल्कि उनके अतीत को फिर से लिखने और उनके भविष्य को आकार देने की शक्ति थी। एक इच्छा के साथ उन्होंने अपने अलगाव के दर्द को मिटा दिया, एक ऐसा जीवन चुना जहां वे शुरू से ही एक साथ रह सके। और जब वे मंदिर से हाथ में हाथ डाले निकले, तो इसाबेला को पता था कि उनके प्यार ने उन ताकतों पर विजय प्राप्त कर ली है जिन्होंने कभी उन्हें अलग रखा था। सेराफ्स हेवन की चांदनी में उनके दिल एक होकर धड़कते हैं, जो हमेशा के लिए
उनकी मध्य रात्रि की मुलाकात के जादू से बंध जाते हैं। इस प्रकार रोमांटिक स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।